सोनीपत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल सोनीपत कोर्ट में दिन दहाड़े गोलियां चली है, जिसके कारण वहां भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक वकीलों के गुटों में पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण ये गोलीबारी सोमवार को कोर्ट में हुई। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। अब हम आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में वकीलों के दो गुट आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी वो पीछे हटते हुए गिर जाता है और जैसे ही वो उठकर खड़ा होता है, अपनी बंदूक सामने खड़े लोगों पर तान देता है। डीसीपी अंशु सिंगला ने बताया कि सोनीपत न्यायालय परिसर के वकीलों में आपसी विवाद के बाद वकीलों के चैम्बर के बाहर गोलियां चली है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस सभी तथ्यों को एकत्रित कर वकीलों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसमें आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हैं अपेरेंटली, और उसमें वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या है। साइंटिफिक एविडेंस के बेस पे ही कोई एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है या कोई लोकेशन से, उनके बेस पे हम करेंगे। और बाकी ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ एक दो का हॉस्पिटल से वो वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर लगी है तो किसको लगी है और कहाँ पे लगी है, कितनी डेंजरस है या नहीं, वो बाकी डॉक्टर से ओपिनियन लेके ही कमेंट कर पाएंगे। कितने फायर किए गए हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, स्टेज पे हम कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अभी कोई कंप्लेंट मिली हो? हाँ, कंप्लेंट्स आ रही हैं कुछ। बेस्ड ऑन द एक्चुअल फैक्ट्स एक्शन विल बी टेकन। मैं बिना वेरिफिकेशन पे किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी। जो आज का फायरिंग इंसिडेंट है उसको एज पर लॉ डील किया जाएगा एंड इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बता दे, गोलियां चलने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। कोर्ट में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इन आरोपियों पर कब तक काबू कर पाती है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।